होली की कहानी जो भगवान शंकर, माँ पार्वती और कामदेव से जुड़ी हुई है। माँ पार्वती भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष से तपस्या कर रही थी। माँ पार्वती का यह तपस्या सफल नहीं हो रहा था। भगवान शंकर अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि माँ पार्वती की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता था। एक बार की बात है कि माँ पार्वती कामदेव के पास में पहुंच गई, जो कि प्रेम के देवता है। कामदेव ने एक पुष्प बाण उठा करके भगवान शंकर के ऊपर चला दिया। बस क्या था, भगवान शंकर का ध्यान टूट जाता है। और जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान टूटता है, कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देते हैं। कामदेव भस्म हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान शंकर का ध्यान माँ पार्वती की तरफ पहुंचता है, जिसके बाद में भगवान शंकर पार्वती को अपना लेते हैं। अब बात आती है कि जब कामदेव भस्म हो जाते हैं तो उनकी पत्नी काफी विलाप करने लगती है। कामदेव जैसे ही भस्म हो जाते हैं, रति जो कि उनकी पत्नी होती है, भगवान शंकर से यह गुहार करने लगती है कि उनके पति को फिर से भगवान शंकर जीवित कर दे। भगवान शंकर यह देखते हैं कि कामदेव ने उनको और पार्वती को मिलाने के लिए ही ये सब कुछ किया था। लेकिन भगवान शंकर यह भी देखते हैं दूसरी कड़ी में कि कामदेव जो कि प्रेम को तो बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अंततः इसे वासना की ओर ले जाते हैं। बावजूद इसके कामदेव को भगवान शंकर माफ कर देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले जन्म में माँ पार्वती जो कि सती थी, और जब ये दक्ष के पास में पहुंची हुई थी तो काफी अपमानित होना पड़ा था। माँ सती अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण को त्याग दी थी। भगवान शंकर ने इन सब बातों को याद किया और आखिरकार फिर से कामदेव को उन्होंने जीवित कर दिया। जैसे ही कामदेव जीवित हुए, उनके खुशी में उसी रात को होलिका दहन किया गया था। कामदेव भस्म हुए, फिर जीवित हुए, उसके बाद में होली का त्योहार मनाया जाने लगा।